एन बालकृष्णा जो कि साउथ यानी तेलुगु के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनके डांस के मीम आपने अब तक देख चुके होंगे। हालांकि उनका आजकल एक टीवी पर चैट शो आता है जो कि बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर वो बड़े बड़े साउथ के एक्टर्स को बुलाते हैं, फिर चाहे वो अल्लू अर्जुन हो या फिर प्रभास, उनके सामने बड़े बड़े एक्टर सलूट करते हैं और झुककर रहते हैं, बिकॉज उनका सनकी मिजाज हर कोई जानता है। एक बार तो पॉलिटिकल पार्टी में खुलेआम गन भी लहरा चुके हैं। बहरहाल बालकृष्णा तेलुगु में वही इमेज रखते हैं जो साउथ में तमिल में रजनीकांत की इमेज है, यानी 60-70 साल की उम्र में कैटरीना ऐशोरा के साथ दोनों काम करते हैं। बहरहाल बालकृष्णा का एक चैट शो हाल में आया जिसकी एक क्लिप वायरल हो रही है, जहां पर उन्होंने पुष्पा 2 के स्टार अल्लू अर्जुन को बतौर गेस्ट बुलाया है और गेस्ट के साथ साथ बहुत सारी चटपटी बातें भी की हैं। बातों में बालकृष्णा कहते हैं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? जवाब में पुष्पा स्टार बोलते हैं कि रणवीर कपूर मेरे फेवरेट एक्टर हैं, बिकॉज बॉलीवुड में उनके जैसा वर्सेटाइल एक्टर कोई है नहीं। तो इसके जवाब में बालकृष्णा बोलते हैं उन्हें भी रणवीर कपूर बहुत पसंद है और एनिमल के बाद तो उसके जबरदस्त फैन हो चुके हैं, और वो चाहते हैं कि आने वाली मूवी में अल्लू अर्जुन रणवीर कपूर को लेकर कोई बड़ी मूवी अनाउंस की जाए। ये सुनते ही पुष्पा स्टार बहुत एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा आइडिया है, मैं रणवीर के साथ काम करने के लिए बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। हालांकि बालकृष्णा अपने अंदाज में धमकी देते हुए बोलते हैं, आपको 6 महीने का टाइम देता हूँ, 6 महीने के अंदर आप दोनों किसी बड़ी मूवी पर काम कीजिए, फिर चाहे वो धूम लेवल की हो या फिर किसी बड़े स्टारडम की। अगर 6 महीने में आप दोनों के साथ काम करने के लिए कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं तलाश पाते हैं, तब मैं खुद आपके लिए कहानी लिखूंगा। और कहते हैं बालकृष्णा बहुत मूडी इंसान है, जब भी साउथ में तेलुगु में कुछ भी वो अनाउंस करते हैं उसको बनवा कर दम लेते हैं। बहरहाल बालकृष्णा ने ये बात कुछ सोच कर कही होगी, हालांकि थ्योरी बहुत मजेदार है और सोशल मीडिया ने बातों बातों में इस थ्योरी को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। अब एक तरह का हैशटैग चल रहा है जहां पर कहा जा रहा है कि धूम 4 में रणवीर कपूर के साथ आप अल्लू अर्जुन को कास्ट कर सकते हैं। और वैसे भी यशराज आजकल साउथ के एक्टर के साथ नई जोड़ी बनाने के लिए पॉपुलर हो चुका है। जब से उसने वॉर 2 में ऋतिक के अपोजिट NTR को साइन किया है, तब से उम्मीद की जा रही है यशराज लगातार साउथ के साथ काम करके अपने आप को पैन इंडियन प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश करने में जुटा हुआ है। वो जान चुका है कि साउथ की फिल्में बहुत चलती हैं, इसलिए बॉलीवुड के बड़े एक्टर को साउथ के बड़े एक्टर से जोड़कर हम किसी बड़े पैन इंडिया फिल्म को बनाकर इंडियन इंडस्ट्री पर कायम रह सकते हैं। इसलिए धूम 4 को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, बिकॉज कुछ टाइम पहले खबर उड़ी थी कि धूम 4 में रणवीर कपूर को साइन किया गया है। इसके लिए आलम हकीम का एक सीन भी आउट हुआ था जहां पर उनके हेयर को नए तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया था। अब अगर अल्लू अर्जुन भी किसी ऐसी मूवी के लिए अप्रोच होते हैं और धूम 4 बनती है विद रणवीर कपूर एंड अल्लू अर्जुन, तब तो बॉक्स ऑफिस पर फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।